हेलो एवरीवन, डीवीएफ रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आलू पालक पकोड़े। आलू पालक पकोड़े मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम अब बनाते हैं आलू पालक पकोड़े। आलू पालक पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पालक लिया है, ये फ्रेश पालक है। एक आलू लिया है। पालक को बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे पालक को बारीक बारीक कट कर लिया है। पालक को साइड में रख देंगे और आलू को छीलेंगे। इस तरह आलू को छील ले और साफ पानी में इसे धो ले। आलू को पानी से बाहर निकालेंगे और इसे कद्दूकस करेंगे। इस तरह से इसे कद्दूकस करेंगे। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। पकोड़े का पेस्ट बनाने के लिए एक बाउल लेंगे। बाउल में डालेंगे कद्दूकस किया हुआ आलू। बारीक कटा हुआ पालक। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कद्दूकस किए हुए अदरक। पकोड़े का टेस्ट अच्छा है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ दरदरा पिसा हुआ लहसुन। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप हरी मिर्च और भी ले सकते हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। एक पिंच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक पिंच हींग, चौथाई चम्मच अजवाइन। अब इसमें मैं डाल दूँ बेसन। तीन टेबल स्पून मैंने यहाँ बेसन डाला है। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आलू और पालक में पानी पहले से ही मौजूद रहता है इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। जिस तरीके का हमें घोल चाहिए पकोड़े के लिए उस तरीके का घोल तैयार है। चलिए पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, तेल को ज़्यादा गरम नहीं करेंगे और एक एक करके पकोड़े इसमें डालेंगे।
तरह से पकोड़े को एक साइड से ब्राउन होने दें। पकोड़े को अब हम पलट देंगे। ये देखिए पकोड़े हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए पालक पकोड़े बनके तैयार है। इस तरह आसानी से बनाएं आलू पालक पकोड़े।